हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कोसी स्टडी पर। दोस्तों, सीटेट जुलाई 2019 का एग्ज़ाम आज ख़त्म हो गया है। आंसर की जारी कर दिए हैं। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का ऑल ऑब्जेक्टिव पेपर वन से संबंधित आपको सही से मिलेगा। तो आपको कितना नंबर आता है और आप अभी चेक करके जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो फ्रेंड्स, पेपर का कोड आर है। आपके पेपर का कोड कोई भी हो, क्वेश्चन सभी का समान रहने वाला है और ऑब्जेक्टिव का आंसर की जो होगा यानी कि ऑप्शन जो होगा वो भी आपका अलग अलग ही रहेगा। तो आप जो है ऑब्जेक्टिव का केवल आपको ऑप्शन जो होगा उसको देखना है, उसके अनुसार आप सही टिक लगाइए, क्योंकि ऑप्शन सभी सभी क्वेश्चन का अलग अलग है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका मूल्यांकन को, पहला ऑप्शन केवल नंबरों के द्वारा संदर्भ में करना चाहिए। तो इसका सही आंसर जो चार नंबर का, हम केवल आंसर लेकर के चलेंगे, चार का सही हो जाएगा। मूल्यांकन को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम है, अधिगम क्या है? तो इसका सही आंसर दो हो जाएगा। अनुभव के प्रतिक्रिया के रूप में, परिणाम के व्यवहार के रूप में एक परिवर्तन होने की प्रक्रिया होनी चाहिए, दो नंबर का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका जब शिक्षक को विद्यार्थी एवं उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तो विद्यार्थी में क्या हो जाएगा? तो तीसरा नंबर का सही आंसर हो जाएगा, सीखने के लिए उत्सुक और प्रेरित हो जाते हैं जब शिक्षक को इसके प्रति विश्वास हो जाता है। तो नेक्स्ट है आपका बच्चों की गलतियाँ, इसका सही आंसर एक हो जाएगा, अधिगम का एक भाग है तथा उनके विचारों में एक अंतर्दृष्टि देती है। तो ये जो है एक नंबर का सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका वह विधियां जिनके प्रयोग में विद्यार्थियों की स्व पहल और प्रयास शामिल होता है, निम्न में से किसका उदाहरण है? तो जिसमें विद्यार्थी खुद से सक्रिय रहते हैं वो होता है अधिगम केंद्रित विधि। बहुत बार यह जो है ऑब्जेक्टिव आ भी चुका है, इसको बहुत बार हम कराए भी हैं। तो ये जो है एक नंबर का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका नीचे लिखी हुई स्थिति किस सिद्धांत को दर्शाती है? यानी कि एक विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं, वे जो है अपने आप को डिप्रेशन में महसूस करते हैं, यानी कि वो पर्याप्त अच्छे नहीं है, वो अपने आप में सोचते हैं, तो वह जो है बिना प्रयास के ही आसानी से कोई भी कार्य को छोड़ देते हैं या फिर छोड़ने की संभावना में रहते हैं। इसका क्या हो जाएगा सही आंसर? तो इसका मतलब हो जाएगा, ये हो जाएगा तीसरा, संज्ञान एवं संवेग अलग नहीं है, यानी कि दोनों एक ही हैं, संज्ञान एवं संवेग अलग नहीं है। नेक्स्ट है आपका सात का एक शिक्षक बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने में सक्षम बनाने के लिए किस तरह से प्रोत्साहित कर सकती है? इसका सही आंसर दो हो जाएगा, बच्चों को समस्या के बारे में सहजनाभूत अनुमान लगाने एवं तो बहुविकल्प को देखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए जिससे कि उसका मानसिक विकास हो सके, इसलिए इसका सही आंसर दो हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव क्या है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा दूसरा, यानी कि बच्चों की सोच जो है गुणात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा जो है भिन्न होती है या गुणात्मक रूप में भिन्न होती है, यह जो है स्पष्ट रूप में कहा गया है जब आप थ्योरी को पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट है आपका जेंडर, तो ये जेंडर क्या है? तो जेंडर जो है एक सामाजिक संरचना है या फिर आर्थिक है या फिर जैविक या फिर मनोवैज्ञानिक सत्ता है? इसका सही आंसर हो जाएगा, यह एक जैविक निर्धारक है, उसे होना चाहिए सामाजिक संरचना है, क्योंकि इसे नाम दिया गया है स्त्रीलिंग या पुल्लिंग। इसका स्थिति देखना पड़ेगा कि आखिर यह किस कंडीशन बेस पर है। तो इस तरह से इसका जो है तीन भी हो सकता है, एक भी हो सकता है। अगर मनोवैज्ञानिक रूप से अगर लिया गया है तो, या फिर किसी नाम है मनोवैज्ञानिक का, तब इसका चार हो सकता है। तो इसे डाउटफुल में रहने देते हैं। कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट करें कि आपका आंसर इसमें क्या ले रहे हैं आप और आपका टोटल कितना सही होता है, जरूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है? तो इसका सही आंसर तीसरा हो जाएगा, शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक विकास और संवेगात्मक, ये सभी हो जाएंगे। इसका मतलब सही आंसर तीन हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका बुद्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो बुद्धि क्या होती है? तो बहुआयामी होती है, यानी कि बहुत जो है ये जो है कह सकते हैं बहुआयामी होते। तो इसका मतलब जिसमें बुद्धि परीक्षण जो है किसी भी तरीके से अगर हम आकलन करें तो पूर्ण रूप में बुद्धि का आकलन नहीं कर सकते, यानी कि परिमेय न की जाने वाली
कई योग्यताएं शामिल रहती है, किसी न किसी रूप में भिन्न होती है, इसलिए बुद्धि जो है बहुआयामी है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक समाजीकरण के माध्यम से, तो प्राथमिक स्तर पर हो जाएगा परिवार, और अगर द्वितीय समाजीकरण के रूप में पूछे तो विद्यालय हो जाएगा, आस पड़ोस हो जाएंगे, सरकार हो जाएंगे, मीडिया हो जाएंगे, लेकिन प्राथमिक स्तर पर परिवार हो जाएंगे सही आंसर। नेक्स्ट है आपका, लेव वैगोत्स्की के अनुसार अधिगम क्या है, तो अधिगम जो है एक हो जाएगा सामाजिक गतिविधि है, इसका सही आंसर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चों को विशेषित करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर का, विलंबित अनुकरण हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, बच्चों और उनके अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो इसका सही आंसर आपका 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। बच्चों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि उनकी प्रेरणा अधिगम क्षमता को निर्धारित व सीमित करती है, तो यहाँ पर जो है सीमित करती है अधिगम क्षमता को, लेकिन यहाँ 3 का जो है यह खुला है, सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं, तो सभी बच्चे स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं ऐसा नहीं कर सकते हैं, सक्षम होते हैं, इसलिए इसका 3 लिया जा सकता है या फिर 1 भी लिया जा सकता है, तो इसे डाउटफुल रहने देते हैं, आंसर आने पर भी आपका पता चलेगा। नेक्स्ट है आपका, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जा सकता है, तो इसे का सही आंसर 1 हो जाएगा, सक्रिय अन्वेषक के रूप में, जिसमें बच्चा खुद से सक्रिय होते हैं, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को देखा जाएगा। नेक्स्ट है आपका, वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा किशोरावस्था, यानी कि किशोरावस्था इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है आपका, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे, ये जो हो जाएगा इसका सही आंसर 3 हो जाएगा, ज्ञान को सक्रिय रूप से संचित करते हैं, ज्ञान यानी कि ज्ञान का सक्रिय निर्माता होते हैं, ऐसा पढ़े होंगे, जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं और अन्वेषण करते हैं, उसी तरह का कौशल वो सीखते भी हैं। नेक्स्ट है आपका, चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विविधताएं होती है, फिर भी चालक विकास का क्रम डैश से डैश तक होती है, इसका सही आंसर 1 हो सकता है, यह जो है स्थूल से सूक्ष्म की ओर। नेक्स्ट है आपका, खिलौने पहनावे की वस्तुओं, घरेलू सामग्रियां, व्यवसायों एवं रंगों की विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना क्या प्रदर्शित करता है, तो इसका मतलब यह हो जाएगा जेंडर रूढ़िवादता को बढ़ावा दे रहा है, तो इसका सही आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, एक प्रारंभिक कक्षा कक्ष में एक बच्ची अपने साथ जो अनुभव लाती है, इसका सही आंसर हो जाएगा 2, उन्हें शामिल करना चाहिए और उनका संचयन करना चाहिए और उनको सम्मान भी देना चाहिए कक्षा में। नेक्स्ट है, एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हींग की दवाई जो है चोरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि चोरी करने से ऐसा अगर वह पकड़ा जाता है तो उसे जेल भेज दिया जाएगा। कोहलवर के अनुसार यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, कोहलवर के अनुसार वह बच्चा नैतिक समझ की किस अवस्था के अंतर्गत आता है, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 1, यानी कि दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास के अंतर्गत आता है, ये 100% सही है, इसमें कोई भी त्रुटि आप लोग न करें। नेक्स्ट है, मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं उन्हें लेव वैगोत्स्की क्या कहते हैं, तो लेव वैगोत्स्की के अनुसार ये जो है व्यक्ति वार्ता हो जाएगा, बहुत जो है यहाँ पर अहं केंद्रित वार्ता भी बोले रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो है व्यक्तिगत वार्ता होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका, यह विचारधारा किसकी है जिसमें सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय अवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो, इसका सही आंसर हो जाएगा समान समावेशी शिक्षा, जिसमें एक ही विद्यालय में सभी बच्चों को समान रूप से शिक्षा दी जाती है, तो यह हो जाएगा समावेशी शिक्षा। नेक्स्ट है आपका, एक बच्चे को चाहिए कि, तो एक बच्चे को क्या चाहिए, तो वह यह संप्रेषित करे कि वह कक्षा में सभी संस्कृतियों का सम्मान करती है एवं महत्व देती है, इसका सही आंसर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, NCF 2005 किसकी वकालत करती है, तो यह जो है फोकस कर रहा है आपको समावेशी शिक्षा पर, 2005 एकीकृत शिक्षा में कन्फ्यूजन नहीं रहे, यह जो है हो जाएगा समावेशी शिक्षा। नेक्स्ट है आपका, बच्चों को कक्षा में प्रश्न पूछने की आज़ादी पूर्ण रूप से होनी चाहिए, जिससे शिक्षक यह महसूस कर सके कि वह बच्चा प्रेरित है, इसका सही आंसर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका,
निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य प्रक्रिया नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है। तो कंठस्थीकरण एवं स्मरण, यह जो है सार्थक अधिगम घटित हो इसके लिए यह जो कह सकते हैं कि प्रक्रिया मुख्य नहीं होगा या फिर विशेषता नहीं देती है। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आपका कितना आंसर जा रहा है, और अपने आप को व्यक्तिगत रूप से खुश जरूर करें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। यदि आपको कहीं भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में भी उसके लिए कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका 29 का, एक बच्चा निम्नलिखित में से कौन सा स्तंभ क के बच्चों को स्तंभ ख में उनकी प्राथमिकता यानी कि विशेषताओं को सही मिलान प्रस्तुत करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा, चौथा नंबर का सही हो जाएगा, डी ए बी सी, यानी कि एक का डी, दो का ए, तीन का बी, चार का सी। इस तरह से आप जो है क्वेश्चन को मिलान कर लीजिए कि क्या कहा गया है एक में, किस तरह से मिलान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं, तो बच्चे प्रभावी रूप से कब सीखेंगे? जब वो गतिविधियां स्वयं से करेंगे, सक्रिय रूप से भाग लेंगे, तभी जो है वो बच्चे प्रभावी रूप से सीखेंगे। तो इसका सही आंसर दूसरा हो जाएगा, विभिन्न गतिविधियों में खुद से शामिल हो, कार्यों को सक्रिय रूप से करें और भाग लें। सही आंसर दो हो जाएगा। तो इस तरह से 30 ऑब्जेक्टिव उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, इस तरह से लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।